Hello friends, welcome to my channel that is Agri Study with Sweety Shukla. Okay, so आज के वीडियो में हम जो है बेसिक डिस्कस करेंगे जो ऑप्शनल UPSC एग्रीकल्चर जिसका है तो उनके लिए है ये वीडियो और जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी. तो जो पेपर सेकेंड है ऑप्शनल का तो उसके हम जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम पॉइंट जो मतलब सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो आया है सेक्शन ए में आपका. देखिए डिफाइन द म्यूटेशन एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन एंड रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. ये क्वेश्चन 10 नंबर का है. यहाँ पर क्वेश्चन डिवाइडेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर मेंशन करना है. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम म्यूटेशन को मतलब डिस्कस करेंगे. सो हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं. पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी. बीच बीच से आप बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट भी जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. कोई भी चीज़ अब अगर एग्ज़ाम में अपने आंसर में लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको उसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन डेफिनेशन एंड देन जो भी उसका क्वेश्चन में जो भी चीज़ें पूछी गई है पॉइंट वाइज जब हम लिखते हैं तभी हमको पॉइंट वाइज मार्क्स जो रहते हैं मिलते हैं. ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें अगर चार चीज़ें पूछी गई है ना तो उसमें मार्क्स डिवाइडेशन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मेंटेन करिए. तो इंट्रोडक्शन ये है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन इज रिफर्स टू द सडन हेरिटेबल चेंजेस. एक बात याद रखिएगा, ये सडन है बट हेरिटेबल होता है. ठीक है, हेरिटेबल चेंजेस रहता है एंड इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. तो सिंपल वर्ड में जब कोई अचानक से कोई हेरिटेबल चेंजेस हो जाते हैं किसी फिनोटाइप में उसके मतलब जो बाहरी लक्षण हैं उसमें तो वो जो सडन जो चेंजेस है वो किसके अंतर्गत आएगी, म्यूटेशन के अंतर्गत, जिसको कि हिंदी में उत्परिवर्तन बोलेंगे. ठीक, इन द मॉलिकुलर टर्म म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द परमानेंट एंड रिलेटिवली रेयर चेंजेस इन द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. तो दिस इज द अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर वे में बात करेंगे तो म्यूटेशन इज जो है इट इज़ अ फिनोमिना. इसमें क्या होता है कि एक परमानेंट चेंज हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द हेरिटेबल चेंज बिकॉज इट ट्रांसफर टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ओके, सो इस कारण से इसको हेरिटेबल बोला गया है. और एक तो सडन है तो बहुत ही रेयर चेंजेस आते हैं. म्यूटेशन बहुत समय में कभी कभी उत्पन्न होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज इस क्रॉप में म्यूटेशन हमको मिल रहे हैं, बहुत लाखों मतलब सालों में म्यूटेशन हमको मिलता है और आर्टिफिशियल भी इंड्यूस करते हैं तो हम आगे पढ़ लेंगे वो चीज़ को. तो ये चीज़ है. देन उसके बाद है कि इन अदर वर्ड्स म्यूटेशन अराइज ड्यू टू द चेंज इन DNA बेस. सिंपल वर्ड में अभी यहाँ पर हमने देखा कि सीक्वेंस जो रहता है न्यूक्लियोटाइड्स का वो चेंजेस होता है, उस कारण से उसमें मतलब म्यूटेशन उत्पन्न हो रहा है जो कि क्या रहता है, परमानेंट रहता है. और एकदम सिंपल वर्ड में बोले जाएगा तो DNA का जो बेसिस है दैट इज़ द नाइट्रोजिनस बेस जो आप जानते हैं. ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. ठीक है, ये जो बेसिस हैं इसमें जब चेंजेस अकर होते हैं तो फिर इस कारण से म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है. तो ये आपको इंट्रोडक्शन में ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन म्यूटेशन जो रहता है ये दो तरह से होता है. एक तो हो रहा है बाय द अल्टरेशन इन द न्यूक्लियर DNA. जो न्यूक्लियर DNA है उसमें क्या हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है तो ये अल्टरेशन कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन. सेकेंड, बाय चेंज इन द साइटोप्लाज्मिक DNA. जो साइटोप्लाज्मिक DNA है जब उनमें चेंजेस आएंगे तो वो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहलाएगा. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूजफुल साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. हम एक वर्ड बार बार पढ़ते हैं ब्रीडिंग में, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. तो ये क्यों होता है, ये एग्जाम्पल है जो CMS है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है. ये साइटोप्लाज्मिक DNA में जब म्यूटेशन या चेंजेस अकर होते हैं तो वो उस कारण से स्टेरिलिटी क्रिएट होती है, प्लांट मतलब क्रिएट हो जाती है. और इसका यूज़ आजकल हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं. ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. तो यहाँ पर टाइप्स हम बताते हैं म्यूटेशन के, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है. फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दैट इज़ म्यूटेशन अकर इन नेचुरल पॉपुलेशन. जो नेचुरल पॉपुलेशन है उसमें जब म्यूटेशन हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. एंड देन इंड्यूस म्यूटेशन, नाम से क्लियर है, व्हेन म्यूटेशन में बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय द वेरियस म्यूटाजेनिक एजेंट्स, दैट इज़ द फिजिकल, केमिकल, म्यूटाजेनिक जो एजेंट्स रहते हैं उसका यूज़ करके हम
जब लैब कंडीशंस में म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ द मे बी क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक। और स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, ये नेचुरल से हो रहा है, ठीक है, नेचर के द्वारा किसी भी क्रॉप में जब कोई चेंजेस होते हैं, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और अब हम इंड्यूस म्यूटेशंस के दो टाइप हैं, एक होता है मैक्रो म्यूटेशंस एंड सेकेंड इज़ द माइक्रो, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, एक चीज़ है। तो मैक्रो में क्या है, म्यूटेशन विद डिस्टिंग जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द फिनोटाइप, जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे किसी पर्टिकुलर क्रॉप के फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब सीड का आकार, सीड का साइज, सीड का कलर, ठीक है, सीड के जो बाहरी कवर रहते हैं लेयर जो, उसमें चेंजेस आ रहा है, ये सब अगर चेंजेस होंगे, मतलब वेरियस टाइप के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो वो हो जाएगा माइक्रो म्यूटेशन। और माइक्रो में जब माइक्रो म्यूटेशन जो रहेगा, जो म्यूटेशन विद द इनविजिबल फिनोटाइपिक चेंजेस, तो मैंने आपको क्लियरली बताया फिनोटाइपिक मतलब जो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो जब बड़े रूप में चेंजेस आएगा जो हम देख पा रहे हैं, तो हम उसको मैक्रो म्यूटेशंस में रखेंगे। और ऐसे चेंजेस फिनोटाइप में जो हो रहे हैं जो इनविजिबल है, हमको ज़्यादा दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है हल्का कलर चेंज आ जाए, हाँ, या फिर डॉट आ जाए किसी सीड में जो हमको इतने विजिबल नहीं है, ठीक, नेक्ड आई से, तो वो हो जाएगा माइक्रो म्यूटेशन। नाउ अब हम देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है। सो इंड्यूसिंग डिजायरेबल म्यूटेशन एंड एक्सप्लोइटिंग देम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज़ हम कर रहे हैं जब हमको कोई डिज़ायरेबल चेंजेस चाहिए पर्टिकुलर क्रॉप में, या हमको क्या करना है उस क्रॉप को क्या करना है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज़ करना है, तब हम जो है आर्टिफिशियल जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं उसका यूज़ करके म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन है उसमें देखिए पूछा गया है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप म्यूटेशन ब्रीडिंग को बताइए, देन उसका कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉमनली यूज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, याद रखिएगा ये बेसिकली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, एंड यूज टू प्रोड्यूस ट्रेड्स इन क्रॉप्स सच एज द लार्जर सीड और न्यू कलर, ये सब के लिए। एंड म्यूटाजेन क्या होते हैं, अभी हम बार बार म्यूटाजेनिक एजेंट पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द म्यूटाजेन, सो फिजिकल और केमिकल एजेंट विच ग्रेटली इन्हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। तो ये फिजिकल और केमिकल कुछ एजेंट होते हैं जो जो म्यूटेशन की आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है उसको इन्हेंस करते हैं। देन टाइप्स ऑफ म्यूटेजन, देयर आर टाइप्स हैं यहाँ पर म्यूटेजन के, तो एक होता है फिजिकल म्यूटेजन, तो इसमें पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ऐसे स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ब्रीडिंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन से रेज आते हैं और नॉन आयोनाइजिंग में कौन कौन से आते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। पर्टिकुलर रेडिएशन जो है अल्फा रेज बीटा रेज, फास्ट न्यूरॉन्स एंड थर्मल न्यूरॉन्स, दे आर पर्टिकुलर रेडिएशन, और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। आयोनाइजिंग में भी दो तरह का है, पर्टिकुलर नॉन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आपका अल्फा बीटा फास्ट न्यूरॉन्स एंड थर्मल न्यूरॉन्स, नॉन पर्टिकुलर में एक्सरे एंड गामा रेज, बट दे आर आयोनाइजिंग, याद रखिएगा। एक्सरे गामा, ऐसा आपको पूछेगा आयोनाइजिंग है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है ऐसा मत टिक लगाइएगा, आयोनाइजिंग है बट पर्टिकुलर नहीं होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रा वायलेट जो रेज रहती है, यूवी रेज, नॉन आयोनाइज। Now we see the physical mutagen, that is radiation, their properties and mode of action. The types of radiation, that is first is X-ray, their properties is SI and penetrating and non-particulate, ठीक। तो इसका जो SI, इसका full form रहता है, ये spatially ionizing रहता है, और यहाँ पर बहुत जगह पर DI लिखा है, that mean density ionizing, ठीक है, spatially and density याद रखिएगा। तो X-ray is spatially ionizing and penetrating and non-particulate रहते हैं। Gamma rays is ये that is also SI, very penetrating and non-particulate, ठीक। एंड देन अल्फा पार्टिकल, इट इज़ डेंसिटी आयोनाइजिंग पर्टिकुलेट्स एंड लेस पेनिट्रेटिंग एंड पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं,
बीटा रेज जो रहते हैं दैट इज एस आई पर्टिकुलेट मोर पेनिट्रेटिंग एंड देन मोर पेनिट्रेटिंग देन द अल्फा पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज. तो अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बीटा इज ए नेगेटिवली चार्ज. फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स दे आर डी आई डेंसिटी आयोनाइजिंग एंड पर्टिकुलेट न्यूट्रल एंड अल्ट्रावायलेट इज नॉन आयोनाइजिंग एंड देट इज लो पेनिट्रेटिंग. तो मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसा है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. देन केमिकल म्यूटाजेनी, जो इससे पहले हमने फिजिकल देख लिया, अब हम देखते हैं कि केमिकल म्यूटाजेंस में क्या क्या आते हैं. तो फर्स्ट इज द एल्कलाइटिंग एजेंट्स, देन एक्रिडाइन एंड देन बेस जो एनालॉगस रहते हैं एंड अदर म्यूटाजेंस. तो जो पहला जो है उसमें आता है एथाइल मेथेन सल्फोनेट आता है. इसके अलावा मेथाइल मेथेन सल्फोनेट दैट इज द MMS, EMS, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड एक्सेट्रा आर इसमें आते हैं. ये जो रहते हैं ये म्यूटाजेनिक केमिकल म्यूटाजेनिक हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, इंडक्शन भी बोल सकते हैं, इंड्यूस भी करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए. देन एक्रिडाइन जो रहता है एक्रिडाइन डाइस, ये प्रोफ्लेविन एंड एक्रिडाइन ऑरेंज, एक्रिडाइन येलो एंड इथिडियम ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. देन बेस एनालॉगस में 5-ब्रोमो यूरेसिल 5-क्लोरो यूरेसिल यूज़ करते हैं. अदर म्यूटाजेन में नाइट्रस एसिड एंड सोडियम एजाइड यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा. देन म्यूटेशन ब्रीडिंग का कुछ जो प्रोसेस है हम उसको देखते हैं. तो म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स, एक से ज़्यादा ट्रेट रहेंगे दैट इज़ द ऑलिगोजेनिक, मोर देन टू रहेंगे दैट इज़ द पॉलीजेनिक. ओके, सो फर्स्ट ईयर ट्रीटेड सीड आर स्पेस्ड प्लांटेड एंड देन सीड फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट आर हार्वेस्टेड सेपरेटली. सबसे पहले हमने सीड सेपरेटली स्पेस देकर लगाया. जब सीड हमने स्पेस देकर लगा लिया, फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक जो प्लांट है उसके सीड को हम सेपरेट हार्वेस्ट करके कलेक्ट करेंगे. एंड देन इंडिविजुअल जो प्लांट हमने सीड कलेक्ट किया उसकी प्रोजनी को हम लगाएंगे, मतलब जो सीड है उसको हम लगाएंगे सेपरेट. एंड सीड जो रहेगा फ्रॉम द ऑल प्लांट ऑफ ईच रो कंटेनिंग ऑफ सस्पेक्टेड टू कंटेन द म्यूटेंट एलील हार्वेस्टेड सेपरेटली. एंड देन लास्ट में हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीस आर अगेन ग्रो एंड सुपीरियर म्यूटेंट लाइन हार्वेस्टेड इन बल्क इफ देयर और अगर वो होमोजीनियस हैं तो हम उसको बल्क फॉर्म में कलेक्ट करेंगे. अगर हेट्रोजीनियस है तो हम उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल कलेक्ट कर लेंगे. इन अ सिंपल वर्ड मैं आपको समझा देती हूँ. इन M1 क्या होगा, हमने जो प्लांट लगाए वो हम स्पेस देके प्लांट लगाएंगे, उसकी जो प्रोजनीज है दैट इज सीड जो रहेगी उसको हम इंडिविजुअल कलेक्ट करने के बाद उस कलेक्टेड सीड को इंडिविजुअल उसके रो ग्रो करेंगे. उस रो को ग्रो करने के बाद एक एक रो के जो सेलेक्टेड सीड हैं उसको, मतलब जो हमको दिखाई दे रहे हैं कि हमको कुछ वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप में नहीं करेंगे. एंड देन जो इंडिविजुअल अगेन हमने जो प्रोजनी सेलेक्ट की है उसको हम स्पेस देके रो वाइज लगाएंगे. एंड उसके बाद हम पर्टिकुलर जो रो से क्या करेंगे, सुपीरियर जो हमको म्यूटेंट लाइन दिखाई दे रही है अगर वो सेम टाइप के हैं, ठीक है, पूरे रो में सेम टाइप का चेंजेस है तो हम उसको बल्क फॉर्म में कलेक्ट करेंगे. अदरवाइज हेट्रोजीनियस अगर म्यूटेंट लाइन रो है तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट नहीं करके, मतलब उसको बल्क में ना करके सेपरेट. देन फोर्थ ईयर हम क्या करेंगे, जो फिर हम क्या करेंगे, PYT लगाएंगे, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाएंगे, सूटेबल चेक्स यूज़ करेंगे और सुपीरियर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे. देन हम मल्टीपल जो ट्रायल लगाएंगे और मल्टीपल यील्ड ट्रायल लगाने के बाद डिफरेंट, मतलब मल्टीपल यील्ड ट्रायल मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में लगाएंगे और जो सुपीरियर लाइन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उस सेलेक्टेड में से जो आउटस्टैंडिंग लाइन रहेगी उसको रिलीज कर देंगे एज अ न्यू वेराइटी के रूप में. एंड फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, उस जो रिलीज वेराइटी उसका मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग द फार्मर्स, ठीक. तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक जनरलाइज्ड स्कीम फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स के लिए. देन यूज ऑफ वेरिएबल एंड फर्टाइल म्यूटेंट राइस में यूज किया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं. राइस इज बेसिकली यू नो द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, तो द म्यूटेशनल इवेंट मे बी मच लोअर देन द एज्योर सेल्फ पॉलिनेशन रेट. देयरफॉर इन M1 प्लांटिंग फील्ड जो कि आप देख सक रहे हैं वेराइटी है रिमी एंड लो राइट जो लाइट ग्रीन वेराइटी है उसकी नॉरिन 8 प्रीवियसली इंड्यूस्ड एंड इंक्रीज लाइट ग्रीन एंड फर्टाइल
क्लोरिना म्यूटेंट वर यूज टू एज्योर द लाइन प्यूरिटी. यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं. इस तरह से आप अगर चाहें तो अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन इन अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. पहला चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़. सबसे पहली चीज़, सो इन इंडिया इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैव बीन डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग इन वीट राइस बार्ली एक्सेट्रा क्रॉप. बिसाइड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ विद बेटर क्वालिटी अर्लीनेस ड्रॉफनेस डिसीज रेजिस्टेंट एंड लो टॉक्सिन कंटेन हैव बीन डेवलप्ड इन वेरियस क्रॉप. एंड सेकेंड इज द इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, जैसा कि हमने देखा था. सो GMS हैज बीन इंड्यूस्ड इन ड्यूरम वीट, दैट इज द एग्जाम्पल. एंड CMS इट इज इंड्यूस्ड इन बार्ले, इट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी इंड्यूस्ड म्यूटेशन हैव बीन यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन बार्ले वीट. इम्प्रूवमेंट इन अडाप्टेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द अडाप्टेशन ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स. अचीवमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, मैं बता देती हूँ. इंडिया में 259 म्यूटेंट वैरायटी है जो कि अभी तक डेवलप की जा चुकी है. मैक्सिकम म्यूटेंट वैरायटी हैव बीन रिलीज्ड इन सीरियल्स, दैट इज़ अ 1072. ठीक. एंड इन प्लांट स्पीसीज 2252 म्यूटेंट वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड इन ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ओवर द वर्ल्ड याद रखिएगा. इंडिया में कितनी है वो याद रखिएगा, कौन से क्रॉप में कितनी कितनी है वो यहाँ पे आपको बताई जा चुकी है. और इम्प्रूव्ड यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अचीव्ड इन डिफरेंट कैरेक्टर थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग इन सम क्रॉप. इंडिया में जो है वो बता रही हूँ, हायर यील्ड बार्ले में देखा गया है जो कि है DL253 वेराइटी, पी में हंस वेराइटी, ग्राउंडनट में CO2 एंड TG17 वेराइटी. शॉर्ट स्टेचर बार्ले में है एंड राइस में दैट इज़ प्रभावती, और बार्ले में RDB1. अर्लीनेस लाया गया राइस में IIT48, IIT60, इंदिरा एंड पद्मिनी. स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो है वो है सॉल्ट टॉलरेंस इन राइस, दैट इज़ मोहन वेराइटी. एंड वाटर लॉगिंग टॉलरेंस इन जूट, दैट इज़ पद्मा वेराइटी. बोल्ड सीड साइज जो है दैट इज़ ग्राउंड नट PB1, PB2 विक्रम एंड राइस दैट इज़ जगन्नाथ वेराइटी. दैट इज़ राइस की जगन्नाथ वेराइटी इज़ म्यूटेंट वेराइटी, याद रखिएगा. सबसे पहली डेवलप म्यूटेंट वेराइटी राइस की जो है वो जगन्नाथ है. तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन था जिसका मैं जहाँ तक बता सकती थी आपको बता दिया. कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा. ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही.